अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दोबारा मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग बनाने लगे थे सब्जी, हंडिया बनाने लगे थे। तो ये हम तीन सब्जियां लेके आए थे, ये शिमला मिर्च, कद्दू और कद्दू ही है मेरे ख्याल से, और ये करेले। तो आज हम तीन हंडिया इकट्ठी बना देंगे। तो ये हम करेले में गोश्त डालेंगे और बाकी गोश्त मम्मा धो रही हैं। तो चलो जी अपना शुरू करते हैं। ये हमने आज 6 प्याज ले ली हैं हंडिया के लिए, 3 हंडिया के लिए। और ये हम लहसुन अदरक, हमें और ज़रूरत पड़ी तो मोड़ ले लेंगे। बाकी ये लहसुन हमने बना दिए हैं, कूट लिए ऐसे। तो चलिए जी अपना स्टार्ट करते हैं। ये जी हमने ऑयल ले लिया है, ये वो ऑयल है जिसमें हमने करेले तले थे, तो अब वही ऑयल हम यूज़ करेंगे। तो चलेंगे करेलों के साथ मसाला ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि करेले कड़वे होते हैं ज़रा। तो ऐसा अगर करेले कड़वे हों तो कोई इशू नहीं है, बस अगर आप इसे नमक लगा के रख लें तो नमक लगा के आपने इसे रख लेना है। थोड़ी देर बाद आपने इसको वॉश करके ड्राई कर देना है, ड्रायर वॉश में जो ड्रायर होता है ना कपड़े जो उसमें ड्राई करते हैं उसमें हमने ड्राई कर लेना है। और फिर इसको आपने सूखने के लिए रख देना है धूप में, जब ये थोड़े से खुश्क हो जाए तो आपने इसे तल लेना है। ये मैंने ज़्यादा तल लिया था, मुझे लग रहा है कि मैंने ज़्यादा तल लिया है, इससे थोड़े से लाइट होने चाहिए। तो अगर ज़्यादा हो भी है तो कोई मसला नहीं है, हम इसका भी हल ढूंढ लेंगे। एक साइड पे हम करेले बनाएंगे और एक साइड पे हम कद्दू बनाएंगे। ये कद्दू के लिए भी हमने ऑयल रख दी है। तो अब इसके अंदर डाल देते हैं प्याज, आई थिंक सो ये हो गया गर्म। खुद ही वीडियो बना रही हूँ, खुद ही कंडिया बना रही हूँ, तो ज़रा मुश्किल होता है, कोई गलती बतानी हो तो कोई बात नहीं। बाकी ये प्याज बच गए हैं, ये हम डालेंगे शिमला मिर्च के अंदर। प्याज ब्राउन हो गए हैं, इसमें हम डालेंगे चिकन। इसमें भी हमने गोश्त डाल दिया था, जैसे आप थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसमें मैंने नमक डाल दिया है, जितना डालना चाहिए जायके के हिसाब से। वो क्या मम्मा बोलते हैं, बराए जायका, हसबे जायका, हसबे जायका। आपने इसमें नमक डाल देना है। ये देखें आप, मैं इसमें ना थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती रही हूँ ताकि ये अंदर से भी बिल्कुल अच्छे से पक जाए और ये जले भी। अब इसमें हम डालते हैं लहसुन, ये लहसुन है। यस मम्मी, ये इतना नमक डाल दिया यार, मम्मा ही वैसे करना है। ये अदरक था, अदरक के मैं 3 बना लिए हैं इससे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, ये 2 टमाटर इसमें थोड़ी ज़्यादा डाल देते हैं, क्योंकि ये वो है ना करेले से। और ये हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे करेले, जहाँ पर आपको पानी की ज़रूरत महसूस हो आपने डालते रहना है, उसकी मैंने वीडियो बनाई। तो अब इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं, ये 1 चम्मच में डाल दूंगी अदरक मिर्च, तो इतना डाल दूंगी वो हल्दी, मिर्च अगर मिर्च में कम लगी तो दोबारा डाल देंगे। तो
कद्दू का पानी हमने निकाल दिया था, जिसमें हम कद्दू डाल देंगे। इसको अब हम कद्दू देकर रख लेंगे थोड़ी देर, जब कद्दू नरम हो जाएंगे तो फिर हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको दोबारा से भून लेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। कद्दू को हमने भून लिया, अब हम इसमें पानी डाल के रख लेंगे इसे। कद्दू में भी हम डाल देते हैं गरम मसाला। ओह बाप इतने आ गए। ये हमने सरगला सा बनाना है तो अब इसमें गरम मसाला डाल के इसको रख देंगे। जब ये सरगला हो जाएगा तो हमारी हंडिया रेडी। ये हड्डियां हंडिया भी मम्मा इसमें डाल दो ना शिमला मिर्च। अब इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च। इसको भी दम पे रख देंगे। इसको भी हम रख देंगे दम पे। इसको भी दम पे रख दिया। ये व्यू है जी हमारे किचन के बाहर से, बहुत अच्छा लगता है ऐसे हर तरफ हरियाली हरियाली। कद्दू हमारे पक गए हैं, खुशबू भी बहुत मजे से आ रही ना। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दोबारा मत भूलिएगा। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी फुल वीडियो वॉच की। थैंक यू।